स्कोलियोसिस या इडियोपैथिक स्कोलियोसिस का क्या मतलब है? इडियोपैथिक स्कोलियोसिस सबसे कॉमन टाइप का स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस को अगर हम कहें तो आम भाषा में इसका मतलब है कुबड़ होना या कमर का टेढ़ा होना, जिसको कि मेडिकली हम लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहते हैं। तो अगर आपकी कमर टेढ़ी है या कुबड़ बन रहा है तो इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं मेडिकली। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस का मतलब यह है कि वो स्कोलियोसिस जिसका कोई कारण नहीं है, मतलब उसमें आपके शरीर के मणके जो हैं ये नॉर्मल बने होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से स्पाइन सीधी ना होते हुए इस तरह से टेढ़ी होती है। आमतौर से ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और उनमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी होता है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस की खास बात यह है कि ये शुरू में तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, लेकिन 3 से 5 साल की उम्र में ये तेज़ी से बढ़ता है और 10 से 15 साल की उम्र में भी तेज़ी से बढ़ता है। ख़ास तौर से जब फीमेल्स में मेनार्की या फिर पीरियड शुरू होते हैं तब ये तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। इसमें दोनों कंधों के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, कभी कभी पेल्विस भी टेढ़ा होता है और ये कर्व तेज़ी से बढ़ता रहता है। अगर ये कर्व कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि लंग पे प्रॉब्लम आती है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट आने लगता है, जिसकी वजह से कि खाने पीने में भी दिक्कत होने लगती है। तो नॉर्मली अगर स्कोलियोसिस का अगर हम कर्व करते हैं, कभी मेजरमेंट करते हैं, तो हम एक एक्सरे कराते हैं, स्टैंडिंग एक्सरे। उस स्टैंडिंग एक्सरे में हम ये देखते हैं कि वो स्कोलियोसिस का कर्व कहाँ है, मतलब ऊपर के भाग में है स्पाइन के कि बीच के भाग में है कि नीचे के भाग में है, और वो कितना बड़ा कर्व है। नॉर्मली अगर 40 डिग्री से कम कर्व होता है तो वो ब्रेस पहनने से और एक्सरसाइजेज से ही कंट्रोल हो जाता है। एक्सरसाइजेज नॉर्मल करनी होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको या फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे, और एक ब्रेस स्पेशली आपके स्पाइन के लिए बना के दिया जाएगा, उसको पहनना होता है। अगर कर्व 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तब उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, और अगर बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है जबकि हाइट बढ़ रही है तब हम एक ग्रोइंग रॉड टेक्निक का यूज़ करते हैं। ग्रोइंग रॉड टेक्निक का मतलब है जब स्पाइन बढ़ रही होती है तो तब हम उस टेढ़ी स्पाइन में, जो कि ऐसी अगर होती है स्पाइन स्कोलियोसिस में, उसको हम सीधा करने के लिए ऊपर के वर्टिब्रा में और नीचे के वर्टिब्रा में इस तरह से स्क्रू डालते हैं और उनको रॉड से कनेक्ट कर देते हैं। उस रॉड को हम हर 6-6 महीने में लंबा करते हैं, और जैसे जैसे हम रॉड को लंबा करते हैं कर्व भी करेक्ट होता है और बच्चे की हाइट भी बढ़ती रहती है। जब बच्चा करीब 10 से 12 साल की उम्र में पहुंच जाता है तब हम उस ग्रोइंग रॉड को निकाल देते हैं और एक फाइनल फिक्सेशन एंड फ्यूजन टेक्निक करते हैं, जिससे कि कर्व हम करेक्ट भी कर देते हैं और उसको फिक्स भी कर देते हैं। जब हम स्कोलियोसिस की सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें बहुत तरह की सर्जरीज होती हैं। कोई कोई होती है जिसमें हमें सिर्फ कर्व को करेक्ट करना है, कोई होती है जिसमें कर्व को करेक्ट करने के लिए हमको बोन काटनी पड़ती है। तो एक काफ़ी अलग अलग तरह की सर्जरीज होती हैं, बट इनको हम नॉर्मली 10 साल की उम्र के बाद ही करते हैं, जबकि लंग की मैच्योरिटी अच्छी आ गई होती है और बच्चे की हाइट भी लंबी हो चुकी होती है। जब हम अपने सेंटर पे स्कोलियोसिस की सर्जरी करते हैं तो इसको सेफ बनाने के लिए हम हमेशा 3D टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम OAM टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। OAM टेक्नोलॉजी से हम सर्जरी के दौरान ही स्क्रू का प्लेसमेंट या नर्व की पोजीशन सब मॉनिटर करते रहते हैं। इसी तरह से हम एक और टेक्निक का यूज़ करते हैं स्कोलियोसिस सर्जरी में, जिसको कि हम न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम नर्व को, जो भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, उनको सबको मॉनिटर करते हैं कि सर्जरी के दौरान उनको कोई चोट ना लग जाए या किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए और पैरालिसिस ना हो। स्कोलियोसिस की सर्जरी अपने आप में काफ़ी सेफ सर्जरी है। टाइम रहते अगर आप अपनी स्कोलियोसिस की सर्जरी कराते हैं तो आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और आपकी लाइफ आगे के लिए किसी भी तरह से हैंडीकैप नहीं रहती। अगर आपको स्कोलियोसिस है तो अपना एक्सरे या MRI इस दिखाए हुए नंबर पर भेजें। आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।